जवानों में उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है मंजिले उनको आसमानों में, नजर आती है मंजिले उनको आसमानों में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजिस सामने इकराम, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हम सभी शिक्षा इल्म एजुकेशन के नाम पे एक साथ संगठित हुए यहाँ बैठे हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान खास डिग्निटरी का इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन खैर मकदम करता है। साथ प्रोग्राम में आए मुस्लिम समाज के गणमान्य हजरात, शिक्षकविद, बुजुर्ग नौजवानों, साथियों, ख्वातीनों हजरात, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम व सेवा प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों व उनके परिवारजनों तथा बालोतरा जिले के आसपास के समस्त गांवों से आए मेहमान गणों का इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी हार्दिक अभिनंदन खैर मकदम करता है। तंजीम का नाम इकरा से शुरू हुआ है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है इकरा बिस्मे रब्बी का, जिसका मायना ये होता है कि आयत कुरान शरीफ में सबसे पहले आयत के अंदर सबसे पहली वही, जिसमें उसका ट्रांसलेशन है कि अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसका मुख्यतः इल्म शिक्षा पर विशेष रूप से बताया गया है। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा इल्म हासिल करें और इल्म के लिए जहां तक पहुंचना हो हम पहुंच सकें। इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य विजन शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा है, जिसमें इस वर्ष का मुख्यतः सबसे ज़्यादा शिक्षा इल्म पर फोकस किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में कॉम में जिन तलबा एवं तालिबात ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, ऐसे तलबा व तालिबात के हौसला अफजाई के लिए तथा उनके शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन काउंसलिंग के देने के लिए एजाजी प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। इस एजाज में इन्हें सम्मानित कर इकरा एजुकेशन सोसाइटी एवं मुस्लिम समाज फख्र तथा गर्व अनुभव करता है। अंतिम कड़ी में यही कहना चाहूँगा कि इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बालोतरा की सरजमीन पर पहला जिला स्तरीय मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम हजरात का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इल्म, तालीम और शिक्षा के नाम पर इतनी बड़ी तादाद में संगठित हुए और प्रतीत होता है कि कौम इल्म के नाम पर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। बच्चों के हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाकर आप सभी ने इस कार्यक्रम में दौलत बख्शी है, सोसाइटी आप सभी का तहक दिल से इस्तकबाल करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन। अंत में कौम के बच्चों और उनके भविष्य के लिए यही कहना चाहूँगा कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितनी भी हो पैर जमाए रखना, दलदल कितनी भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रुकता, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो अपडेट्स की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। शुक्रिया।